Yeah, I'm from Kerala and more interested in Kerala. You seem to be more focused in Kerala than previous years. And whenever you come to Kerala, you focus on the cooperative sector and the looting of public money. It is, can I expect some actions or? पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से हम पूरे देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के हर हिस्से की सेवा करने। राजनीतिक फायदा हो वहां करो काम, राजनीतिक फायदा न हो वहां न करो काम, ये हमारे सिद्धांत नहीं है। 1967 में जनसंघ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन केरल में हुआ था। क्या मतलब, हमारे लिए केरल सत्ता पाने के लिए एक मैदान है ऐसा नहीं है। हमारे लिए केरल भी वैसे ही सेवा क्षेत्र है और हम सेवा करते हैं और हम उतने ही लगन से पहले से कर रहे हैं। हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गोलियों से भून दिया गया है, पॉलिटिकल मर्डर किए गए हैं, उसके बावजूद भी हम आज भी वहां सेवा, माँ भारती की सेवा करने के भाव से कर रहे हैं। और लेप की कैडर पर अदालतों ने सजाएं फरमाई हमारे लोगों की हत्याओं के खिलाफ, कई लोग उनके जेल में हैं। तो उसके बावजूद क्यों हम, हमारे लिए कच्छ हो या गुवाहाटी, कश्मीर हो या कन्याकुमारी, हमारे देश का हर कोना हमारा है और इसलिए हम करें। दूसरी बात है, आपने देखा होगा त्रिपुरा किसी जमाने में लेट 3-4 दशक तक उनका था, जैसे बीजेपी आई तो लोगों को पता चला भाई ये तो लूटते थे। त्रिपुरा में बीजेपी इतना अच्छा काम करे लोगों के, और बार बार बीजेपी को अब त्रिपुरा में लोग जिताने लगे हैं। वैसा ही बंगाल केरल के अंदर इतना भ्रष्टाचार की गंध भरी पड़ी है, लेकिन इकोसिस्टम ऐसी बनाई हुई है कि कोई चीज बाहर आने नहीं देते हैं। और इसलिए इस चुनाव में जब गया मैं कोऑपरेटिव को लेकर के इसलिए बोला हूं कि ये सामान्य मानवी के साथ बहुत बड़ा क्राइम है, ये इसको माफ नहीं किया जा सकता। गरीब परिवार बैंक में पैसा रखता है ना, तो उसको लगता है चलो ब्याज यहां ज्यादा मिलेगा, तो उसको लगता है कि भाई पैसा रखता हूं तो बेटी बड़ी होगी तो शादी करवा लूंगा, और बड़ी मेहनत से वो कमा करके उसके पैसा रखता है। फिशरमैन के पैसे हैं, किसान के पैसे हैं, मजदूर के पैसे हैं, और करीब 300 कोऑपरेटिव बैंक हैं जो पूरी तरह ये लेफ्टिस्ट लोग चलाते हैं, और करीब 1,00,000 करोड़ रुपया केरल के गरीबों का, सामान्य मानवीय का उसमें पड़ा हुआ है। अब आप उसमें देखिए कि इन्होंने क्या किया, उस के संचालन करने वालों ने उनके पैसों की चिंता नहीं की, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद कर ली। अभी एक बैंक में हमने जो कार्रवाई की तो उसमें करीब 90 करोड़ रुपए हमने अटैच किया है, और मैंने अभी लीगल एडवाइज में ले रहा हूं कि ये जो 90 करोड़ रुपए हैं जिनके पैसे बैंक में थे इनको वापस कैसे मिले। मैंने ईडी से भी आग्रह किया कि भाई हम देना शुरू करें और जो लूट रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी अटैच करें। हमने अब तक 17,000 करोड़ रुपीस जिस प्रकार से पकड़े थे वो संबंधित जिसका था उसको वापस किया है, 17,000 करोड़ रुपीस। और इसलिए मैं केरल में इन 300 बैंक का जो घपला इन्होंने किया है, अरबों खरबों रुपयों की, ये जो 1,00,000 करोड़ रुपया, ये छोटी अमाउंट नहीं है, गरीब है, और मैं मानता हूं उसको मैं गंभीरता से मैंने लिया है, और ये मेरे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, मैं सामान्य मानवीय के जीवन का मुद्दा है जी।